Press the subscribe button and click on the bell icon to receive all the latest updates. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुणाल एंड वेलकम टू द फोटोग्राफी ब्लॉगर। और आज हम ऐसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसको अगर आप यूज़ करते हैं क्लिक करते टाइम फोटोज, तो आप बहुत ही फास्ट रेट पे क्लिक करवाएंगे शॉट्स, और आप काफ़ी ऐसे मूवमेंट्स हैं जो मिस करने से आप बच जाएंगे। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बैक बटन फोकसिंग टेक्निक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप में से जिनको नहीं पता कि बैक बटन फोकसिंग क्या होता है, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। और आई होप कि आप ये टेक्निक यूज़ करना शुरू करेंगे, बिकॉज़ आज से कुछ साल पहले मैं भी ये टेक्निक यूज़ नहीं करता था, और जब मैंने स्टार्ट किया ये यूज़ करना, तो ट्रस्ट मी अभी तक मेरे DSLR में मैं बैक बटन फोकस टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। अब इससे पहले कि मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूं कि बैक बटन फोकसिंग क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, और आप कैसे उसे एनेबल कर सकते हो अपने कैमरा में, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। लेट्स से हमें एक कुछ टास्क करना है, उसमें अगर दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं और अगर दूसरे केस में एक अलग बंदा काम कर रहा है, तो जल्दी किस में काम होगा जिसमें दो बंदे काम कर रहे हैं, राइट? तो सिमिलरली अब मैं बताता हूँ बैक बटन फोकस में क्या होता है। यूजुअली हम क्या करते हैं, जब भी आप अपने कैमरा को कहीं भी एम करते हो फोटो क्लिक करने के लिए, आप ये जो शटर रिलीज बटन है आप इसको क्लिक करते हो, तो पहले आप हाफ प्रेस करते हो फोकस करने के लिए, ये आपको आवाज़ आ रही है, ये फोकस हो गया। अब जब आप फुल क्लिक करते हो, इसका मतलब आपकी फ़ोटो क्लिक होती है। अब होता क्या है, जब आप हाफ प्रेस करते हो तो आपका जो DSLR है ये फोकस लॉक कर रहा है और एक्सपोजर वैल्यू भी लॉक कर रहा है। तो ये बटन अभी दो काम कर रहा है, तो जब एक बटन दो काम करता है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, राइट? अब बैक बटन फोकस में क्या होता है, आप ये पीछे की साइड कुछ बटन्स देख रहे होंगे, तो इनका कुछ ना कुछ फीचर होता है, राइट? अब यहाँ पे आप इन फीचर्स को ओवरराइड कर सकते हो और इस बटन का एक फ़ीचर आप यहाँ पे ला सकते हो। अब बैक बटन फोकस में क्या होता है, मैं आपको बताऊँगा कैसे इनेबल करते हैं, बट अभी मैं अपने कैमरा में बैक बटन फोकस को ऑन कर रहा हूँ। अब बैक बटन फोकस होता क्या है, जो आपके तीन पीछे बटन्स हैं इनमें से एक बटन को आप इसका फोकसिंग का जो टास्क है ये शटर रिलीज बटन का, वो आप पीछे वाले एक बटन को दे देते हो। अब इससे होता क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने इसको ये फोकसिंग का दे दिया और इसको मैंने ऑफ कर दिया। अब आप देख रहे हो मैं हाफ बटन प्रेस कर रहा हूँ, आगे कुछ नहीं हो रहा, जस्ट अब मैं क्लिक करूँगा तो फ़ोटो क्लिक हो रही है। तो यहाँ पे अब आपने एक टास्क हटा दिया, आप अब खाली हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए इसको टास्क दे रहे हो। बैक बटन पे मैंने क्या किया, एक पीछे ये वाला जो बटन है, इस स्टार वाला जो बटन है, इसको मैंने फोकसिंग के लिए यूज़ किया है। देख सकते हो ये फोकस कर रहा है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, ये बटन फोकस करेगा, ये क्लिक करेगा। अब मैं चाहूँ तो बिना फोकस करे भी जितनी क्लिक चाहूँ कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, मेरा टाइम सेव हो रहा है। अब हम इसके एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं, जहाँ मैं दो एग्जांपल्स लूँगा और उससे आपको इसका पूरे एडवांटेजेस का पता लग जाएगा। पहला एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आप वेडिंग फोटोग्राफी में हो या पोर्ट्रेट्स क्लिक कर रहे हो, तो यूजुअली होता क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सेम डिस्टेंस पर रहता है, लेट्स से थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, बट डिस्टेंस आपका ऑलमोस्ट उतना रहता है। अब होता क्या है, आप जब नॉर्मली क्लिक कर रहे हो, आप पहले फ्रेम करोगे, आप फोकस करोगे हाफ बटन क्लिक करके, एंड देन आप फोटो क्लिक करोगे, राइट? यही होता है। अब आपका जब सब्जेक्ट उधर ही है, आपको उसके 8-10 फोटोज़ लेने हैं, आप कर कर रहे हो, आप बार बार फोकस कर रहे हो और आप फिर फोटो क्लिक कर रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। आपको करना क्या चाहिए, आप बैक बटन फोकस ऑन करो, आप एक बार फोकस करो और आप क्लिक करते रहो। लेट्स से मेरे को 2-3 फोटोज़ लेनी है, मैंने ले ली। सपोजिटली आप थोड़ा आगे जा रहे हो या सब्जेक्ट थोड़ा मूव हो रहा है, आप बैक बटन यूज़ करके थोड़ा फोकस कर लो और आप अगेन इसको यूज़ करके आप क्लिक्स कर सकते हो, और बहुत फास्ट रेट पे क्लिक कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू जो आप पहले कर रहे होते हैं कि उसी बटन से फोकस भी हो रहा है एंड देन क्लिक हो रहा है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है, लेट्स से आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हो, आप एक्शन फोटोग्राफी कर रहे हो, वहाँ पे आपका सब्जेक्ट बहुत फास्ट मूविंग होता है, आपको कंटिन्यूसली उसको ट्रैक रखना होता है। अब एक चीज़ यहाँ तो हो सकती है, आप बिना बैक बटन फोकसिंग टेक्निक यूज़ करें, आप कंटिन्यूस फोकस ऑन करें अपने कैमरा में, आप इस बटन से उसके साथ कंटिन्यूस फोकस करते रहें और क्लिक करें, बट लेट्स से आपको 2-3 फोटोज़ क्लिक करनी है
उस केस में आप क्या करोगे, आपने एक बार तो कंटीन्यूअस ट्रैक कर लिया, आपने फोटो क्लिक करी, अब आप जब दोबारा क्लिक करोगे तो आप अगेन आपका कैमरा हंट करेगा फोकस एंड देन क्लिक करेगा। हो सकता है तब तक आपकी एनिमल या बर्ड जो भी है वो उस फ्रेम से बाहर हो जाए, तो आपने वो मूवमेंट मिस कर दिया, राइट। बैक बटन फोकस टेक्निक यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आप बैक बटन से आप फोकस कर रहे हो, आपने एक बार फोकस कर लिया कंटिन्यूस, आप इसे दबा के रखो कंटिन्यूस फोकस को, साथ साथ आप क्लिक कर सकते हो, आप क्लिक करते रहोगे और ये कंटिन्यूसली फोकस करता रहेगा। बीच में लेट्स से आपका कहीं सब्जेक्ट बैठ गया तो आप फोकस बटन छोड़ दो पीछे वाला और आप क्लिक करते रहो, तो इससे क्या होता है आप कुछ भी मूवमेंट मिस कर, मतलब चांसेस बहुत कम हो जाते हैं मूवमेंट मिस करने के एज़ कम्पेयर टू जब आप बिना बैक बटन फोकसिंग टेक्निक यूज़ कर रहे होगे। तो यही है पूरा कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस आई डोंट थिंक एनी डिसएडवांटेजेस आर देयर ऑफ दिस मोड, तो ये होगा इसके एडवांटेजेस। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे इस बैक बटन फोकसिंग टेक्निक को एनेबल कर सकते हो अपने DSLR में। बट उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप अपना DSLR ऑटो मोड में यूज़ कर रहे हो तो आपका बैक बटन फोकसिंग नहीं चलेगा। लेट्स से अभी मैं आपको ऑटो फोकस पे दिखाता हूँ, तो यहाँ पे ये आपका बैक बटन फोकस नहीं चलेगा, आपका ये बटन ही फोकसिंग और क्लिक करेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एक क्विक मेन्यू पे हूँ जहाँ पे आप ये अपना एपर्चर ISO सारी सेटिंग्स सेट करते हो, तो यहाँ पे मेरे पास अभी 5D Mark III है, यहाँ पे आपको ये सेक्शन दिखेगा, इस पर अगर मैं जाता हूँ यहाँ आपके पास सारे बटन्स आ जाएंगे जो आप एलोकेट कर सकते हो डिफरेंट फंक्शंस के लिए। अब बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये फंक्शन एनेबल्ड होता है आगे के बटन में, ये वाले बटन में जो शटर रिलीज बटन है, इसको आपको क्या करना है, जाके आपको ये स्टार पे लेके आना है जो खाली आपका फ़ोटो क्लिक करेगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस बटन पे आऊँगा, अगर मेरे को ये जो बटन है इसको मेरे को बैक बटन फोकसिंग के लिए यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैं इस पे आके ये ऑटो फोकस AF वाला जो बटन है इसको एनेबल करूँगा। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे को ये यूज़ करके, ये देखें अब ये फोकसिंग कर रहा है और शटर रिलीज जो है ये खाली क्लिक करेगा, ये हाफ प्रेस करने पे भी ये फोकसिंग नहीं कर रहा, ये खाली क्लिक करने पे फोटो क्लिक करेगा। तो फ्रेंड्स जैसे आपने अभी देखा, हमने बैक बटन फोकसिंग का देखा कि क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, और अभी आपने रिसेंटली देखा कि कैसे आप उसे एनेबल कर सकते हो। ट्रस्ट मी, अगर आप बैक बटन फोकसिंग यूज़ करना स्टार्ट करोगे, चाहे आप पोर्ट्रेट्स क्लिक करते हो, आप वेडिंग फोटोग्राफी में हो, आप इवेंट शूट करते हो, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में हो, आप किसी भी टाइप की फोटोग्राफी में हो, आप अगर बैक बटन फोकसिंग एक बार यूज़ करना स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में शायद हो सकता है आपको थोड़ा ऑकवर्ड सा लगे कि मैं पीछे से फोकस कर रहा हूँ बटन से और आगे से क्लिक कर रहा हूँ, बट जब आप एक बार यूज़ करना स्टार्ट करोगे आई एम श्योर आप वापस नॉर्मल मोड पे नहीं आओगे, आप बैक बटन फोकसिंग टेक्निक पे ही रहोगे। आप मेरे को नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके कुछ भी सजेशन हैं फील फ्री टू शेयर इट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा आप शेयर कीजिए, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पे, कहीं पे, बस नॉलेज स्प्रेड होना चाहिए। तो और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।